जो भाजपा के बड़े नेता थे उनके चेहरों को देख के ही पढ़ने में मिल रहा था कि सहसपुर की सीट उनसे निकल चुकी है, क्योंकि हमारी मेहनत और प्रयास इतना रहा कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर बूथ पे हमारे जो हैं जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी। नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज। उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। सबके किस्मतों की जो चाबी है या सबकी किस्मतें मत पेटियों में बंद हो चुके हैं, और इसी के साथ राजनीतिक दलों में गुड़ा भाग का दौर शुरू हो चुका है, कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कयास को लेकर के आज मैं मौजूद हूँ सहसपुर विधानसभा में, और हमारे साथ मौजूद हैं सहसपुर विधानसभा चुनाव प्रभारी, कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रभारी अर्जुन प्रधान जी। उनके पास सहसपुर विधानसभा के साथ साथ ही कैंट विधानसभा की भी जिम्मेदारी थी। आइए जानते हैं इस दोनों विधानसभाओं को इन्होंने कैसे निभाया। सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सर सहसपुर विधानसभा भी प्रभारी बनाया गया था, चुनाव प्रभारी, और कैंट का पूरी जिम्मेदारी थी आप पे, तो दो जिम्मेदारियां आपके पास थी, क्या लगा सर, कोई प्रेशर में थे आप, किस तरीके से इस चुनाव को आपने किया सर? देखिए, मैं अपने यहाँ की दोनों विधानसभाओं की जनता का और उत्तराखंड की समस्त जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विधानसभा चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से निभाया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोट डालने में। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर दोनों तरफ की थी, पर उसमें हमने अपने साथियों से मिलकर और जो कांग्रेस के हमारे पुराने साथी भी थे और नए भी जो जुड़े थे उनके सबके साथ हमने बैठकर निरंतर बैठकों का दौर किया, और उन बैठकों के दौर में जैसे जैसे हमने आगे आगे बातें बढ़ाई तो हमें कहीं ना कहीं से सुझाव मिलते रहे कि इस तरह से यहाँ कमी है, ये कमी है, तो उन कमियों को हमने स्वीकार किया, उन कमियों को देखते हुए उन्हें सुधारा हमने। और इस बार जो हम मैदान में जब उतरे चुनाव के, तो कमियाँ हमने पहले गिनी कि हमारी क्या कमियां रही पिछले चुनाव में, तो उस कमियों को दूर करते हुए हम इस चुनाव में उतरे हैं। ये सीट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि पिछले 15 सालों से सहसपुर विधानसभा में भी बीजेपी का था राज, और कैंट विधानसभा भी पिछले 25-35 सालों से जो भी बीजेपी के ही विधायक जीतते आए थे, तो इस बीच आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत मुश्किल ऐसा दौर है कि कहीं, मतलब एक बात होती है कि कांग्रेस की कोई पहले से सीट जीती हो तो एक सिंपल सा लगता है, मगर ये दोनों ही एक तरह से एक समझ लीजिए कि बीजेपी का कब्जा था कई सालों से, तो कुछ परेशानी ऐसी नज़र आई आपको? नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में भी था और जहन में था कि हम सहसपुर को लगातार 3 बार चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी और 15 साल से जो है भाजपा का कब्जा था उस सीट पे, और इसी तरह कैंट विधानसभा में भी जब से हम उत्तराखंड बनाए उससे पहले से हम जो है यहाँ पर सीट नहीं ले पा रहे थे, और जिम्मेदारी जब मुझे दी गई तो काफ़ी बाहर था, और जिस हिसाब से हमने मेहनत की और हमारे कैंडिडेट जो दोनों हमें मिले, बहुत अच्छे कैंडिडेट मिले, सहसपुर में मैं आयंद्र शर्मा जी मिले और कैंट विधानसभा में मैं सूर्यकांत धस्मणा जी मिले, तो हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे मिले और उन कैंडिडेटों के साथ मिल के काम करने का मज़ा भी बहुत आया, और बहुत अच्छा जैसे जैसे हमने उन्हें साथ लिया और काम किया तो बहुत अच्छी तरीके से हमने मैनेज किया इस चुनाव को, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता ने हमें अपना प्यार दिया और हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। खैर, मतदान तो हो चुका है, अब क्या, जैसे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी का भी है, आम आदमी पार्टी है, तमाम पार्टियां अपने उस पर लग गई है कि हाँ गुड़ा भाग में कितने सीटें कहां पर आएगी, कितने से क्या मार्जिन रहेगा, सब कुछ, तो क्या इसमें क्या लगता है सहसपुर विधानसभा में और कैंट में क्या लगता है, या पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या कैसा प्रदर्शन रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सहसपुर की बात करूँगा। सहसपुर में सबने ही अपने गुना भाग निकाले हैं, पर उनके गुना भाग से ही उनके मनोबल को देख के कल ही पता लग गया था जब हम झाझरे से निकल रहे थे। झाझरे में कुछ जो भाजपा के बड़े नेता थे उनके चेहरों को देख के ही पढ़ने में मिल रहा था कि सहसपुर की सीट उनसे निकल चुकी है, क्योंकि हमारी मेहनत और प्रयास इतना रहा कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर बूथ पे हमारे जो हैं जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी,
तो सेंसपुर तो हमने पूरा हमें होप हो चुकी थी कि हम पूरी जीत चुके हैं सीट, और कैंट में भी, कैंट में हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने जब यहाँ के बूथ कमेटियां बनाई, बूथ कमेटी जो है हमने बहुत मजबूती से बनाई थी कैंट की भी, तो उस समय मैं यहाँ का प्रभारी था कैंट का इसी क्षेत्र में, और उससे जो है हमने पूरा आइडिया लगा लिया था कि इस बार जो हमारी कमेटियाँ जो हैं वो बूथ लेवल पर बन रही, उससे और हमें जो केंद्र ने प्रभारी जी दिए देवेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को मैनेज किया, और जिस हिसाब से उन्होंने मैनेज किया, इतनी मेहनत किसी प्रभारी ने नहीं की कभी भी पार्टी की हमारी, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हमें मिले हैं उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इस चुनाव को मैनेज किया है कि हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान होने के बाद तुरंत ही बाद बीजेपी में कुछ अंतर्कलह देखने को मिली, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो बीजेपी से एक संजय गुप्ता जी विधायक की भाजपा के, उनका तुरंत एक बयान आया कि अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पे आरोप लगाया कि नहीं उन्होंने गद्दारी करी है पार्टी के साथ। कितनी सहमत है, मतलब इससे इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनका अंदरूनी मामला है, और जब इन्हें ये बौखलाहट नज़र आई कि भाई इस बार जो है उत्तराखंड प्रदेश जो है हमारे हाथ से निकल रहा है, तब इनकी ये बौखलाहट शुरू हो गई, और जब हार सामने दिखाई देती तो आपस में ही एक दूसरे पे आरोप लगते हैं। हमारे ऊपर तो आरोप लगा नहीं सकते, हमने तो अपनी मेहनत की है, तो भाजपा ने फिर अपने ही लोगों पे आरोप लगाए, और वही चीज़ आज चल रही है, इनके सामने आ रही है, तो उन्हें पूरा लग चुका है कि इस समय जो है सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है उत्तराखंड की, और अब जो है कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड में कितनी सीटें आ रही है? ये देखिए, हमने जो अनुमान लगाया है वो 38 से 40 सीटों पर अनुमान लगाया है, तो उससे 42 भी हो सकती हैं, पर कम नहीं होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक बहुमत आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन प्रधान जी, जिनके पास सहसपुर विधानसभा का भी प्रभार था, चुनाव प्रभार था, और कैंट विधानसभा का भी प्रभार, चुनाव प्रभारी थे। तो मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस।